This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग और VBA माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे आज कंडीशंस एंड लूप के बारे में। और हमारे साथ जैकब जी हैं, तो इसमें हम बात कर रहे हैं सर कि कंडीशन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एक सेल्स का फिगर है, अब इस सेल्स फिगर में मुझे यहाँ पे देना है कि ग्रेटर देन 50 वाले को 500 की इंसेंटिव देनी है। तो इसके लिए अगर आप नॉर्मल एक्सेल में होते तो सिंपल सा इफ का कंडीशन लगाते कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे 500, अदरवाइज जीरो। तो हम इफ का फॉर्मूला लगा रहे, लेकिन मुझे इस काम को करना है VBA के थ्रू। चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग आपके साथ करते हैं। हम इंसर्ट किए, मॉड्यूल्स पे गए और यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं if_1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो कंडीशन क्या होगा, इफ रेंज, और रेंज कौन सा है हमारा, यह है A2। यहाँ पे A2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज, ये हमारा B2 में है, तो यहां B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। सिंपल सा लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा सिर्फ एक सेल B2 जो है सिर्फ इसी पे हमारा कंडीशन है, लेकिन मुझे यहां इसको 25 तक लेके जाना है ना। इसके दो तरीका है, एक तरीका है जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरा तरीका सिंपल है। जो पॉसिबल नहीं बताता हूं, क्या है कि मुझे एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और B2 की जगह पे B3, B4, B5, B6 करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है करना, राइट सर, क्योंकि आपके पास 1000, 2000, लाख, 1.5 लाख हुए, उतने लाइन ऑफ कोड लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर लिखना पड़े तो खामखा मैनुअल जाके हम नंबर ही क्यों ना दे दे जो हमें बीबीए लिखे। तो क्योंकि हमें इसको रिपीट करना है, इसके लिए हमारे पास लूप होता है फोर इक्वल टू 2 2 चले 25। और हमें 2 से क्यों चलाया, जनरली तो 1 से होता है ना सर, आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेट के जो सर्च किए होंगे। तो बेसिकली हमारा रो 2 से स्टार्ट है और 25 तक चलना है, इसलिए हमें तो अब ये क्या कर रहा है कि इस कोड को 25 बार रन करेगा, लेकिन क्या फायदा, हर बार वो A2 की वैल्यू चेक करेगा और B2 की वैल्यू डालेगा। मुझे तो ऐसा चाहिए कि पहला बार रन करे तो A2 का, दूसरा बार रन करे तो A3, A4, तब तो मेरा बेनिफिट है ना। उसके भी दो तरीके हैं, एक है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले ले कि dim r as a long और फिर यहाँ पे r equal to 1 कर दे और यहाँ r equal to r plus 1 और फिर जहां आपने A2 लिया है उसके साथ आप r को कंबाइन कर, एक तरीका A है। अब क्या होगा, ये पूरे के पूरे दे दिए। ये कैसे वर्क कर रहा है, चलिए इसको हम एफएट से समझते हैं। एफएट में इसमें आर प्लस वन, आर वन हो गया और फिर चला, अब देखिए I1, अब I1 की I2 यहां दिख रहा है ना आपको, क्या क्योंकि कोड जो है इसको काउंटर के तौर पर रख रखा है, वो काउंट करेगा कि भाई 2 से 25 बार चलना है, तुम काउंट करते रहो, जैसे ही 25 पूरेगा हमें बता देना, हम लूप को खत्म कर देंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि 2 हो गया, इसे चेक किया, रिजल्ट दे दिया, फिर वापस गया आई, यहां देखिए 3 हो गया, ऑटोमेटिकली यहां पे I3 हो गया, R प्लस 3 हो गया, चेक किया नहीं था, वापस आया, इसको नहीं चलाया, फिर चलाया, देख रहे हैं आपको हमेशा। तो अब हमारे पास जब I है ही तो हम फिर R क्यों ले रहे हैं, हमें R लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I भी एक वेरिएबल है, इसको भी यहां यूज किया जा सकता, क्योंकि ये भी अपने ऊपर वैल्यू ही स्टोर करता है। और एफर्ट कीजिए,
ओके आई इक्वल टू टू ए और टू ए टू की वैल्यू वी एंड टू बी टू हो गया। अब अगली बार क्या हो गया, आई थ्री हो गया, आई थ्री हुआ। अब ओके ए और थ्री कंबाइन हुआ, ए थ्री हो गया, बी एंड थ्री कंबाइन होगा, बी थ्री हो जाएगा। अगली बार देखिए आई फोर हो गया, ऐसे आई फाइव हो जाएगा, आई सिक्स हो जाएगा। तो हम इसका बेनिफिट करते हैं। तो लूप समझ में आया? ये समझा तो नो लूप आगे और भी है, लेकिन फिलहाल हम इसको यहीं पे रखते हैं। ओके अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन। अब यहाँ पे टू कर दिया हमने, अब यहाँ आके फोर आई 225 चले। अब इसमें क्या है कि हमें एक, अभी देखिए क्या हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट और एक कंडीशन थी, हमने इसको एक लाइन में लिख दिया। अब मेरे पास कंडीशन तो एक ही है, रिजल्ट दो है। मैं चाहता हूं कि जो जहां जाओ 500 दे, उसकी सेल्स को कलर ग्रीन कर दे। तो यहां पे मैं इसको तोड़ा और फिर लिखा रेंज आई थ्री, सॉरी के साथ आई डॉट वैल्यू इंटीरियर होगा ना, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रेड। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे मल्टीपल लाइंस के लिए, तो हमें एंड इफ का नाम देगा, ताकि वीबीए को पता चलेगा कि कौन कौन से लाइन ऑफ कोड कंडीशन को फुलफिल होने के बाद चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, ओके ये हमारे सामने। अब ओके इसमें अगली बारी आती है कि इसमें हम एल्स भी लगाना चाहते, मतलब कि अगर जो ग्रेटर देन 50 नहीं है उस पे हम यहाँ 50 देना चाहते हैं। और ग्रीन करना था ना, रेड कर दिया, ग्रीन। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे इस कंडीशन, उसको देख लीजिए। अब यहां पे हमने एंड इफ से पहले यहां एल्स लगाएंगे, एल्स, और फिर अपनी कंडीशन दे देंगे कि भाई कि अगर ग्रेटर देन 50 नहीं होगा तो क्या होगा। तो हमने बोल दिया 50, एंड इफ 50 रहेगा, ध्यान रखिए। अब इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी, एक नाम के दो मैक्रो नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, अब चलिए इसमें एक एडिशनल हम लगाना चाहते हैं। हम एडिशनल ये लगाना चाहते हैं कि 85 टू 95 के बीच में हुआ तो मुझे 800 देना है, अदरवाइज मुझे इसमें लिखना है नॉट एलिजिबल, नहीं। ठीक है, ओके तो चलिए हम इसमें चौथा इफ लगाते हैं। अब यहां पे क्या है कि मेरे पास दो कंडीशंस हैं, राइट। तो सब लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं एन ई नॉट एलिजिबल, और यहीं पे हम एंड करते, यहां पे ग्रेटर देन 85 है, और फिर यहां पे हम एंड करेंगे और यहां हम अपना कंडीशंस को देंगे। तो रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा 95। ठीक है, और ओके यहां पे हम बाकी सब जो है 800 देना है तो 800 कर दिया। कलर देना है रखिए, नहीं देना है रखिए, आपके ऊपर है। तो दो कंडीशन, अगर मान लीजिए दो से ज्यादा हुआ तो यही पे आगे हम एंड एंड करते चले। लेकिन जो कंडीशन हम दे रहे हैं एंड के साथ, वो रिक्वायर होना चाहिए, मतलब कि
85 एंड लेस देन 95 तो होना ही चाहिए, ठीक है? वो भी ग्रेटर, सर आपने ग्रेटर देन लिखा है, 95 लेस देन 95 है ना। क्या सर, हम भी कभी कभी गलती कर देते हैं, ओके फाइन, बुढ़ापा आ रहा है सर। मजाक नहीं जी समझ। करता, चलिए थोड़ा बहुत तो मजाक कर ही सकता हूँ। ओके ये समझ में आ गया आपको? समझ गया। इस तरह से लगा सकते। अब और की बात करें तो चलिए इसमें अगला एक और एग्जांपल हम इसी पे सेट करते हैं, ठीक है? अब सर इसमें हम सेल्स लेकर, उसी में क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। एक ही मॉडल के अंदर 3 मैक्रोज है, करेक्ट? एक ही हाँ मॉडल में, मॉडल वन के अंदर 3 मैक्रोज है। अगर हमें मैक्रो मैक्रो 3/3 रन करना है, जिस पे रन करना है उस पर देखिए, दो दो रन करने के दो तरीके हैं, आप बता दो आपको मैक्रो के। एक तो आपका मैक्रो लिस्ट से है, यहां से जो भी मैक्रो जितने भी मैक्रो होंगे मॉड्यूल्स में सबके नाम यहां दिख जाएंगे, ठीक है? नहीं लेकिन आप यहां से रन करना चाहते हैं ना, जिस पे आपका कर्सर होगा ना वही रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने बटन क्रिएट किया और मैंने मॉडल सेलेक्ट किया, एक बटन क्रिएट करके एक मॉडल को लिंक कर दिया, मैक्रो डाल दिया, बट मेरे को 3rd रन करना है। आप अगर बटन पे मैक्रो असाइन करना चाहते हैं ना तो मॉड्यूल से हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। आप जैसे असाइन करेंगे आपके जितने भी मॉड्यूल्स में मैक्रो होंगे सारा मैक्रो का लिस्ट यहाँ आता अच्छा, एक मैक्रो के अंदर है। एक फाइल के अंदर चाहे 10 मॉड्यूल है, 10 मॉड्यूल के अंदर अगर 50 माइक्रो है सबका लिस्ट ओके, यहाँ आ सबका जाएगा। लिस्ट आ जाएगा। हाँ ओके ठीक ठीक है, है, असाइन कीजिए एंड ओके क्लिक करते हैं मैक्रो। तो मॉड्यूल हमारे सेपरेशन के लिए होता है, मॉड्यूल जरूरी नहीं कि मॉड्यूल, अगर मान लीजिए मॉड्यूल यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट हमने कर दिया और इसमें हम मान लीजिए मैक्रो देते सब आर आर कर देते हैं, राइट? अब मुझे इस मैक्रो को इस मॉड्यूल में कॉल करना है तो मैं सिर्फ आर आर लिख दूंगा, अपने आप कॉल हो जाएगा। हमें मॉड्यूल 2 डॉट आर आर लिखने की जरूरत नहीं। ओके और यहाँ माइक्रो लिस्ट पे भी आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको दिख रहा है आर आर आ गया ना। आर आर वो सब्जेक्ट का नाम है। हाँ अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक डेट लिखा हुआ है, ठीक है? हम 3 नाम का 2 माइक्रो हो गए इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अब मेरे पास एक मैक्रो है जिसमें हमारे पास डेट है और मुझे यहाँ पे वीकेंड या वीक डे शो करना है, ठीक है? तो यस सैटरडे, तो सैटरडे छोड़िए, आपकी फ्राइडे है ना, फ्राइडे और सैटरडे हुआ तो यहाँ शो करना चाहिए वीक एंड और यहाँ पे वीक, अदरवाइज क्या होना चाहिए? वीक डे, ठीक है सर? ओके तो हमें दो कंडीशन है कि फ्राइडे और सैटरडे दो चीज होनी चाहिए, तो इसके लिए चलिए हम मैक्रो लिखते हैं। सब इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज अब यहां पे हम लगाते हैं कि 4i इक्वल टू चले 2 2। अब इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है, वो आगे की क्लासेस में बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके कि आपको 25 देखना पड़ता है ना, ये देखने की जरूरत नहीं।
अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, कंडीशन देते हैं कि इफ, अब मुझे बेसिकली डेट है, इस डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, हेलो तो यहाँ पे हम कंडीशन में यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मेट एक फॉर्म लगाना पड़ेगा, फॉर्मेट रेंज के साथ आई डॉट वैल्यू और यहाँ पे डीडीबी इक्वल टू फ्राइडे, लेकिन दो सैटरडे भी चाहिए तो यहाँ पे एंड नहीं लगेगा। एंड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे खाया तो सैटरडे होगा या हमारा संडे होगा, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम और लगाएंगे, क्योंकि तो और क्या होता है कि एक भी कंडीशन होगा तो ट्रू दे देता है, और यहाँ पे दे देता हूं मैं सैटरडे और दैट हो जाएगा रेंज बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दी एंड एल्स में हम देते हैं एल्स एंड और यहां पे वीक, ठीक है सर। ओके कुछ प्रॉब्लम सर, जो डीडी डाला आपने, 3 बार डीडी डाला है दिस। हाँ, एक कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट है, अगर किसी डेट के ऊपर आप राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल पे जाएं और इसकी जो कस्टम फॉर्मेटिंग, आप कस्टम फॉर्मेटिंग की वीडियो देखिएगा ना, पता चल जाएगा। यहां पे अगर ओके मैं 3 बार लिखूंगा तो देखिए आ गया, थर्ड नेम आ गया ना। 2 बार करूंगा तो 1 2 की फॉर्मेट में, 3 बार करूंगा तो नेम शॉर्ट फॉर्म में, 4 बार करूंगा तो फुल फॉर्म, ओके ठीक है। तो ओके ओके आपको नॉर्मल इफ आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि बाकी दो पे एंड इफ है, लेकिन एंड इफ इसमें नहीं किया क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन एक रिजल्ट थी, एक लाइन में लिख सकते थे इसको एक। अगर आपके पास मान लो कंडीशन ज्यादा भी है, यहाँ पे एंड भी लगा दिया, फिर भी इसको आप ओके एक लाइन में लिख सकते हैं, बस रिजल्ट आपका एक होना चाहिए, रिजल्ट या दो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मुझे लिखना है तो मैं इसको स्पेस करके लिख दू या कॉमा करके लिख दू, ऐसा नहीं होगा। अगर ओके बार दो दो अगर काम है तो फिर इसको एंटर मार के नीचे लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर एक लाइन में एक ही काम करता है, ठीक है। ओके तो एंड इफ देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको एल्स कंडीशन चाहिए तो एल्स लगाइए और एल्स में अपना कंडीशन डाल दीजिए। मल्टीपल कंडीशंस के लिए एंड यूज ओके करें, रिक्वायर्ड के लिए और आपके पास ऑप्शनल है तो और यूज करें, राइट सर। ओके ये हमारे इफ की पार्ट पार्ट वन था। अगला जो का है वो है हमारा नेस्टेड इफ, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये चीज समझ में आएगा, और ये चीज तब समझ में बट आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट, बट ये सर, ये इफ कंडीशन प्लस लूप है राइट? हाँ, लूप इसलिए लगाया कि इसमें आपको बाकी सब पे भी तो अप्लाई करना नेक्स्ट है ना, तो लूप जैसे नेक्स्ट यूज किया हो मैंने यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका हाँ एज फॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लूप अलग से पढ़ाएंगे आपको, जहां पे लूप लूप के और बहुत सारे कंडीशन, डायनेमिक और बहुत सारे चीज के अंदर होंगे, ओके समझ गए ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ लूप नहीं लगाता तो कंडीशन एक सेल पे लगता तो कोई इससे कोई बेनिफिट नहीं नजर आता, ठीक है। लूप इंपॉर्टेंट है, लूप प्लस लूप है, तो लूप को मैंने जैसे यूज किया हो, लूप पूरा नहीं पढ़ाया हो, और आपका इफ का पहला पार्ट हुआ है। दूसरा पार्ट हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन उससे ओके पहले मुझे आप लूप से रिलेटेड कम से कम 10 एग्जाम्पल, इससे इफ से रिलेटेड 10 एग्जाम्पल दीजिए।